केंद्र सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो रहे हैं। भारत सरकार ने 4 और यूपी सरकार ने 1 वर्ष में जिस प्रकार से कार्य किए वो चुनौतीपूर्ण थे। जर्जर व्यवस्था, चरमराई अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों से संबंध जैसी चुनौती थी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वे देश और विदेश में भारत को बड़ी शक्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने विमुद्रीकरण का चमत्कारी नोटबंदी की। वोट की राजनीति के बजाय उन्होंने जनता के हित के लिए कार्य किया। यह बातें सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि मोदी जी ने हम लोगों से जनता के बीच में जाकर बात रखने के लिए कहा। ऋण मोचन योजना के तहत किसानों का ऋण माफ किया। RTGS का चलन मोदी जी के समय में ज्यादा आया और किसानों को भी इसका लाभ मिला। स्टार्टअप और मेक इन इंडिया जैसे तमाम कार्य किए। पीएम ने देश की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म के लिए पटरी पर लाने का कार्य किया। समग्र विकास से उद्योग धंधे डेवलप हो रहे हैं। सड़कों का जो जाल बिछा है वह इस सरकार ने किया। देश के प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री ने विकास के लिए कार्य किए हैं। गाँव में सोलर क्रांति आई, सौभाग्य योजना को प्रारंभ कर दिया। गरीब किसानों को जनधन योजना के माध्यम से लाभ दिया। गरीब उद्योगपतियों का सम्मेलन किया। प्रधानमंत्री आवास मिला। सौभाग्य योजना ऐसी मिली कि 1 रुपए में बिजली का कनेक्शन पालो। स्वच्छता मिशन जो बापू की पार्टी ने पूरा नहीं किया उसे मोदी जी ने पूरा किया। GDP बढ़ी, उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य चीजों में हम ग्रोथ कर रहे हैं। मेट्रो रेल एक सौगात है। गोरखपुर में विकास की योजनाएं बरस रही हैं। कृषि के क्षेत्र में आय दुगुनी हो इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। मनरेगा से विभिन्न योजनाओं को जोड़ा है। पहले 25 दल का गठबंधन चलाने की कोशिश करते थे, आज 50 दल मिलकर मोदी जी को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा। सरकार के केंद्र सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हो रहे हैं और इन 4 वर्षों में भारत सरकार ने और जैसा कि 1 वर्ष से कुछ दिन अधिक उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किए हैं निश्चित रूप में ये वो कार्यकाल है जिसके सब तरफ से चुनौतियां थीं। एक तरफ भारतवर्ष की जर्जर अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, तीसरी तरफ औद्योगिक प्रगति मंद पड़ रही थी और चौथी तरफ पड़ोसी देशों का से हमारा जो संबंध था या जो हमारे मित्र देश थे उनसे संबंध था उनमें लगातार कटुता आ रही थी। ऐसे समय जब देश के प्रधानमंत्री ने अपनी सत्ता संभाला तो उन्होंने वोट की राजनीति से अलग हटकर कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए कि जिनको अगर आजादी के बाद की सरकारों ने किया होता तो जैसे अब भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के पत्र हो, चाहे इंग्लैंड, ब्रिटेन या फ्रांस के पत्र हो, कि भारत सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कल्पना, घोषणा, आशंका विदेश के मजबूत देश कर रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि प्रधानमंत्री ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में काम करने का निरंतरतापूर्वक काम किया है। मैं विशेष तौर पे कभी कभी उल्लेख करता हूं कि हम लोग, मैं स्वयं गुजरात का प्रभारी था और उत्तर प्रदेश के चुनाव अब संभावित थे, कुछ दिन रह गए थे और मुझे उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए बोला गया था। लेकिन एक दिन अचानक जब हम लोग सुनते हैं कि 1000 के और 500 के नोट चलन में नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं और विमुद्रीकरण के द्वारा
काले धन पर अंकुश लगाने का जो काम शुरू होता है, ये विश्व का एक चमत्कारिक कदम था जिसको कोई भी राजनीतिक दल अपने दल के हित में उठाने से बचता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वोट की राजनीति ना करके लोग लंबी लंबी जब लाइन नोटों के लिए लगाने लगे और विपक्ष आरोप लगाने लगा, तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं के मन में भी ये शंका प्रकट हुई कि चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ऐसा ना हो कि जनता नाराज हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर काम जनता के हित के लिए करना ये हमारा दायित्व है और सरकार हर काम वोट के लिए करे ये जरूरी नहीं, और आप लोग मैदान में जाइए, जनता के सामने बात रखिए। और मैं साधु रूपी जनता को नमन इसलिए कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के उठाए गए कदम, चाहे वो जनधन योजना के माध्यम से एक क्रांतिकारी 27 करोड़ से ऊपर लोग के खाते खुल जाना, बगैर पैसा जमा किए खाते खोलने की सुविधा मिल जाना, RTGS सिस्टम के माध्यम से सरकार की सहायताओं को सीधे बैंक अकाउंट में लाभार्थी के पहुंचा देना, कि आदरणीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 15 रुपये 100, अगर हम 100 रुपये है तो 15 रुपये नीचे तक पहुंचता है, 85 रुपये का भ्रष्टाचार है, स्वयं देश के प्रधानमंत्री बोलते थे। आज 100 का 100 रुपया जनता के बीच में पहुंच जाना, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी ऋण मोचन कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार कि हमारा किसान, हमारा गरीब मजदूर और नौजवान अगर मजबूत ना हुआ तो देश का विकास नहीं है, और किसानों की आमदनी दोगुनी करने का जो 2022 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जब ऋण मोचन कार्यक्रम हुआ और 1 लाख रुपए तक के सूक्ष्म और लघु सीमांत जो ऋण थे उनको माफ करने का, जब 86 लाख किसानों में 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, तो ये भी भारत के इतिहास की एक अनोखा कदम था। और RTGS सिस्टम के माध्यम से जो प्रधानमंत्री की देन है, यानी प्रचलन में ज्यादा प्रधानमंत्री के दौरान आया, उसके माध्यम से सीधे किसानों तक पूरा लाभ पहुंचा, चाहे वो आपदा का हो, बाढ़ का हो, सूखे का हो, आंधी तूफान का हो, एक अलग वातावरण पूरे देश में बना, और पूरे देश में जो सूचना क्रांति का प्रभाव हुआ, स्टार्टअप इंडिया, स्केल इंडिया, मेक इन इंडिया और विभिन्न प्रकार के जो प्रायोजन भारत सरकार के द्वारा किए गए, ये दूरगामी रहे। लोग चुनाव की दृष्टि से समसामयिक घोषणाएं करके लुभाने का जहां काम करते थे, वहीं प्रधानमंत्री ने इस देश की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म तक धरने पर लाने के लिए क्षणिक परिवर्तन ना करके, और उन्होंने पूंजी निवेश के रास्ते खोले, PPP मॉडल पे तमाम कार्यों को कार्यान्वित जहां कराने का संकल्प लिया, वहीं अगर कहा जाए कि अशोक सम्राट शेरशाह सूरी के बाद सड़कों के निर्माण में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम हम लोग बड़े आदर से लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक होगा तो समग्र विकास और हमारे उद्योग धंधे उससे जुड़े हैं वो डेवलप होंगे। लोग उद्योग धंधे डेवलप होने की घोषणाएं करते थे लेकिन उसके लिए व्यवस्था नहीं करते थे। हमारी सरकार ने उसके लिए जो मूल समस्या थी, सड़क, बिजली, पानी, उन्होंने अभियान चला के, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से आज आपको NH की 4 लेन सड़कें, आउटर रिंग रोड्स, पुल, इनका पूरे देश में जाल बिछा हुआ खासतौर से उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई पड़ेगा। ये 4 वर्षों के क्रांतिकारी कदमों का मैं तो इसको कहूंगा कि 1 साल 1.5 साल तो नियोजन में लगते हैं, और किसी भी योजना के क्रियान्वयन में
कोई भी योजनाएं 2-3 साल से पहले पूरी नहीं होती, लेकिन इस सरकार ने शिलान्यास भी किया और लोकार्पण भी किया कई जगहों पर। ये मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता जहां उत्तर प्रदेश के लिए है, वहीं देश के प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और कुशल एक विजन जिसके आधार पर उन्होंने काम किया। कनेक्टिविटी अच्छी हो उसके लिए सड़कों का जाल बिछाया, तो बिजली में जिन गरीबों के वहां पर आजादी के बाद भी कितने हजार नहीं लाख मजरा पूरे देश में थे, जहां बिजली का टिमटिमाता हुआ बल्ब उस गांवों के लिए अनोखी घटना हुआ करती थी। सोलर लैंप, एक सोलर की क्रांति आई जिसको लोग पहले हंसी में लेते थे, सपना उनके लिए था। जहां लाइट नहीं थी वहां सोलर का न केवल सरकार ने प्रोत्साहन दिया, लगाने का उपक्रम प्रारंभ हुआ। और इतने भी सरकार ने सौभाग्य योजना को प्रारंभ कर दिया, और सौभाग्य योजना के माध्यम से उस भारत के गरीब किसानों को, और खासतौर से कहना चाहिए गरीब कौन, समाज के कुचले थे, पिछड़े थे, दलित थे, सभी जातियों के लोग थे, लेकिन बहुसंख्या वही समाज के कुचले, पिछड़े और दलितों की ज्यादा थी। सबसे ज्यादा लाभ जनधन योजना के माध्यम से उनको मिला। बैंकों को उन्होंने अनिवार्य कर दिया कि एक बैंक को जो मुद्रा जो लोन है, ऋण है, उसमें 2 अनुसूचित या दलित वर्ग के लोगों को देना जरूरी है। दलित उद्योगपतियों का सम्मेलन किया गया और इसके माध्यम से उनका विकास हम केवल नौकरियों तक सीमित ना रखें, बल्कि रोजगार के सृजनकर्ता कैसे वो बने, इसके लिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, गांव की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ा, सबको आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों में, ये मैं समझता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा अभियान चला, तो जिसमें गांव-गांव कितने लाख लोगों को, तो उत्तर प्रदेश में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में न केवल 1 साल में आवास निर्मित हुए, बल्कि उसकी चाबी भी तमाम लोगों को, कई लाख लोगों को उसके प्राप्त भी हुई। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। सौभाग्य योजना ऐसी बनी कि 1 रुपए नहीं दो, घर में बिजली का कनेक्शन मुफ्त में पालो। जिनकी हिचक थी बिजली का कनेक्शन पाने का, सपना हुआ करता था, बिजली विभाग का कर्मचारी घर आकर बिजली का कनेक्शन देने लगा। बहन बेटियां लोटा लेकर गांवों में सड़कों पर शौच करने के लिए मजबूर हो जाती थी, पैसे के अभाव में शौचालय नहीं हुआ करते थे। स्वच्छता मिशन एक ऐसा मिशन, अनोखा मिशन भारतवर्ष जैसे देश में चल सका, जिसका सपना गांधी जी ने देखा था। बापू के सपने को गांधी जी की कांग्रेस पार्टी जो बदल कर अब इटली वाली गांधी जी की पार्टी बन गई, उसने पूरा नहीं किया। शौचालयों का निर्माण और स्वच्छता जो गांधी जी का लक्ष्य था, उसको पूरा करने का काम भी मोदी जी के नेतृत्व में कई करोड़, ये गिनीज बुक रिकॉर्ड भी अब टूटने लगे हैं, एक रिकॉर्ड पर दूसरा रिकॉर्ड बनने लगा है। इतने शौचालयों का जाल हुआ कि लोगों के जीवन की व्यवस्था सुधरने लगी। गांव में बिजली दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के माध्यम से खंभे गिरने का काम और उसमें बिजली लगने का काम, गांव-गांव बिजली शहरों की तरह होने लगी। 24 घंटे शहरों में, 18 घंटे गांव में और 20 घंटे तहसील में, इस लक्ष्य को मुख्यमंत्री जी ने प्राप्त किया। और उनका सपना है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कि हम जल्दी इसी साल 24 घंटे बिजली देने का जो सपना है प्रधानमंत्री का, उसको हम पूरा कर सके। यानी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए 3 काम कौन, सड़क, बिजली और पानी। सिंचाई की योजनाओं को कार्यान्वित कराया गया, नए नए ट्यूबवेल और हैंडपंप के कनेक्शनों को किया गया, मृदा परीक्षण के माध्यम से उपजाऊ भूमि का निरीक्षण और चिन्हीकरण हुआ, यूरिया, नीम कोटेड यूरिया
को केंद्र सरकार के द्वारा बेचने पर जो लाठीचार्ज किसानों पर यूरिया खाद को लेने के लिए होता था वो भी सपना बनकर रह गया और लोग आराम के साथ में उसको पाने लगे। और तमाम चीजों पर, चाहे वो गेहूं हो, दाल हो, टमाटर से लेकर प्याज तक हो, महंगा होता तो खूब आता है। पेट्रोल अभी 2-4-5-10 दिनों में उसमें परिवर्तन आए हैं। प्रधानमंत्री जी और हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने इसके बारे में चिंतन मनन शुरू कर दिया है और ये तो हमेशा का प्रचलन है, जब वो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो प्रतिफल देते हैं। लेकिन बाकी चीजों में देखिए कि बाकी चीजों में एकदम से दाम गिरने लगे, भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर उठने लगी। चाइना ऐसा देश हमारे औद्योगिक जो हमारा जीडीपी था उससे पीछे हो गया और आने वाला जो एक साल है जब हम पूरा कर रहे होंगे तो हम दुनिया की सबसे तेज गति से विकसित होने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी बिंदु पर खड़े मिलेंगे। कानून व्यवस्था का राज हो, पड़ोसी देश हमारे प्रति चिंतनशील बने, मैं बहुत लंबा न कह के केवल अभी 5 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक बयान का उल्लेख करना चाहूँगा जो आपके मीडिया के माध्यम से सुनने को मिला है सभी को, कि उन्होंने अपने असेंबली में और अपने सांसदों के बीच में स्पष्ट रूप में कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं भारतवर्ष के, तब से कोई देश आकर पाकिस्तान की मदद करेगा अगर हम ये सोचते हैं तो ये हम गलत सोचते हैं। हमारा सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हटाना चाहते हैं और भारतवर्ष के 50-50 दलों के महागठबंधन मिलकर भी मोदी जी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी विकास कर रहे हैं, मोदी जी देश में मजबूती ला रहे हैं। आतंकवादी दामाद की तरह बनकर आते थे और मारकर चले जाते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आतंकवादी नहीं आते हैं, पहले की तरीके से आने की कोशिश करते हैं और आते हैं, लेकिन अब वो दामादों की तरह बिरयानी कर खा के वापस नहीं जाते। अब या तो उनका पार्थिव शरीर जाता है और या वो पकड़े जाते हैं। तो ऐसे दृढ़ संकल्पीय नेता को आज पड़ोसी देश भी डरता है कि म्यांमार में जाकर आतंकवादियों को मारकर लौट जाते हैं और पाकिस्तान की सीमाओं के अंदर घुसकर भी उनके बंकर को नष्ट करके सेना वापस आ जाती है कि वो देश का प्रधानमंत्री हैं। ये हम नहीं, ये पड़ोसी देश के और विश्व के तमाम देश के लोग सोचते हैं जो अपना प्रोटोकॉल तोड़कर आते हैं। दुबई में और सऊदी अरब में भी पूजा करने का अधिकार मिल जाता है, लोग वहां के भी शासक प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी का स्वागत करने के लिए आते हैं। 1 लाख से ऊपर लोग व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका में मोदी जी को देखने के लिए, सुनने के लिए आ जाते हैं। कई कई जगहों पर पूरे विश्व में जो हमारे एनआरआई पड़े हुए थे, प्रवासी भारतीय पड़े हुए थे, जो देश को मदद करना चाहते थे, जिनको कोई चिंता नहीं कर रहा था, हर देश में जाकर मोदी जी ने शायद नहाया भी होगा तो जहाज में, खाया भी होगा तो जहाज में, किसी ने उनको खाते भी नहीं देखा होगा, बड़ी बड़ी पार्टियां करते भी नहीं देखा होगा। 24 घंटे अगर विदेश में जाते हैं तो एक एक क्षण को काम करके भारत के लिए समझौते करके वापस लौटते हैं। तो ये जो विदेशी नीति की सफलता, अर्थनीति की सफलता कि हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग को रोका, घाटे की वित्त योजनाओं पर अंकुश लाए, महंगाई दर में स्थिरता प्रदान करते हुए उसमें कमी लाए, जीडीपी को हम बढ़ाने में सफल हो रहे हैं लगातार। एक डिमोनेटाइजेशन के बाद एक समय होता है, ये अर्थशास्त्र का नियम है कि थोड़े समय के लिए जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कम होती है और उसके बाद अचानक से वो बढ़ने लगती है और फिर निरंतर बढ़ती जाती है। उस स्थिति पे हम लोग पहुंच रहे हैं। अर्थ के क्षेत्र में
उद्योग के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। मुझे कहने में प्रसन्नता होती है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग थे तो जहाज को देखते थे आज से 15-20 साल पहले, तो लगता था कि ये हमारे लिए एक अनमोल विरासत है। मेट्रो का सपना पूरा हुआ, कई जगह मेट्रो और मोनो रेल लगना और चलना भी लखनऊ में तो प्रारंभ हो गया। कई जगह केंद्र सरकार की सहायता से ही प्रदेश सरकार और जगह पर मेट्रो रेल ला रही है। और आपको जानकर खुशी होगा कि अब हमारे वहाँ के हवाई अड्डों के पिछलों का उच्चीकरण और नवीन हवाई अड्डों को लगाना, कुछ जेवर ऐसी जगह पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे को खोलना और 20 हवाई अड्डे हमारे जल्दी हवाई पट्टी बनकर तैयार हो रहे हैं। यानी जिस प्रदेश में 20 हवाई अड्डे होंगे, एयर कनेक्टिविटी जैसे हम लोग चलते हैं रेलगाड़ी और बसों में, उनके किराए का निर्धारण भी जिस प्रकार से किया है हमारे उड्डयन मंत्री ने भी लखनऊ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उन्होंने, गोरखपुर में भी मेट्रो का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और आप जानते हैं गोरखपुर में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जितना विकास किया होगा, मैं समझता हूँ कि बाबा गोरखनाथ की जो अनुकंपा है वो पूरी तरीके से गोरखपुर में बरस रही है। और उसको मुझे आप ऐसे पत्रकारों को बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो पुल हो, चाहे सड़क हो, हॉस्पिटल हो, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे वो हवाई अड्डे का उच्चीकरण हो, सारी चीज़ें हाँ एम्स है, फर्टिलाइजर का वो है, क्योंकि वो नई चीज़ें नहीं है, उसको आप लोग बार बार लिखते रहे हो। एकदम बन रहा हमारा प्रदेश भी पूरी तरीके से आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि के क्षेत्र में आय दुगनी हो, इसकी तरफ सरकार ने, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने तेजी से अपनी योजनाओं में समन्वय स्थापित किया है। मनरेगा को हमने न केवल रोजगार देने का बल्कि हमने उसको विभिन्न प्रकार के निर्माणों से जोड़ दिया है और अब उसका एक सकारात्मक परिदृश्य को लाकर हम लाए हैं। सरकार ने प्रतिशोधात्मक कोई कार्रवाई नहीं करी है, हमने अच्छी चीज अगर कोई है तो उसको और अच्छी करने की कोशिश किया है। तो ये जो ये 4 वर्ष का जो समय रहा, देश के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक क्षेत्र में सफलता पाई है। जी का भी मैंने नाम लिया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग के प्रणेता हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अटल जी ने 25 दलों के गठबंधन को सफलतापूर्वक चलाया और एक विकास को नया दृष्टि दिया। मोदी जी ने 4 सालों तक सरकार को चलाया और सबका साथ सबका विकास जो अटल जी का सपना था उसी के आधार पर सरकार चलाई है, उन्हीं के अधूरे कामों को आगे बढ़ाया है। बस अंतर इतना है कि उस समय 25 दलों की गठबंधन की सरकार मिलकर चल रही थी, आज 50 दलों का महागठबंधन मिलकर मोदी जी को हटाने के लिए कोशिश कर रहा है। पहले 25 दल का गठबंधन मिलकर चलाने की कोशिश करते थे, आज 50 दलों का महागठबंधन हताशा, निराशा, अवसरवादिता के कारण एन केन प्रकारण सत्ता लोलुपता के सपने में विलुप्ता अवस्था के में पहुंच चुका है। कर्नाटक में अनैतिक गठबंधन, हालांकि इस राज्य में जहां जहां चुनाव हुए भारतवर्ष में, शायद आज़ादी के बाद इतने ज़्यादा राज्यों में कुछ समय के लिए कांग्रेस के पास में था, लेकिन आज 20 से ऊपर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटका में भी हम कुछ सीट से ही पीछे रहे, लेकिन अवसरवादी गठबंधनों ने जब अपने गठजोड़ शुरू किए तो नैतिकता के नाते हमारे जो नेतृत्व था कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम अनैतिक तरीके से नहीं बनाएंगे और अपना इस्तीफा दे दिया। तो आज 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, पूरे देश में हम लोग जो हमारे लाभार्थी हैं उनके बीच में हम लोग गए हैं। आज गोरखपुर में हमारे सांसद
हमारे लाभार्थियों का हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में और क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें मुझे आपके साथ प्रेस वार्ता में रहना था और उसके बाद कार्यक्रम में मुझे जाना है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि भारत सरकार के 4 वर्ष सफलतापूर्वक चले और उत्तर प्रदेश के 1 वर्ष से ज़्यादा जो हमारा कार्यकाल चला है उसमें हमारे प्रेस मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस सफल तरीके से सूचनाओं के प्रवाहन में और सत्य और स्पष्ट समाचारों के संकलन में मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इन 4 वर्षों के प्रगति का आपने जहां छायांकन दृष्टांकन कराया है, वहीं आने वाले समय में भी आप उसी प्रकार से हमारे कार्यों का, हमारे समाचारों का संकलन करते रहेंगे। तो शिक्षा में जो क्रांतिकारी परिवर्तन, आपने जो कब्जा कहा, वो पर्टिकुलर कोई केस होगा, अगर मुझे कहीं से मिल जाएगा तो मैं उसमें कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आपके समाचार पत्रों में तो आया ही आया, पहली बार दुनिया की BBC से लेकर वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क पोस्ट तक का टाइम्स तक ने लेख लिखा है कि भारत में शैक्षिक क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। NCERT के पैटर्न पर हमने पाठ्यक्रम शुरू कर दिया। 1 अप्रैल से जो जुलाई में होता था, हमने अपने नया सत्र को प्रारंभ कर दिया। नकल विहीन परीक्षा को हमने संपादित करा दिया। समय से हमने रिजल्ट को घोषित कर दिया और बगैर किसी को गिरफ्तार किए, बगैर किसी भी विद्यार्थी को और शिक्षक को जो परीक्षा के अंदर थे, नकल ऐसे व्यवसाय पर हमने छूट करके एक पारदर्शितापूर्ण शिक्षा प्रणाली को हम लाने में सफल बने। मैं समझता हूँ ये भी योगी जी के नेतृत्व में एक सफल कार्य था जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने संपादित किया। पिछले दिनों कुछ माननीय विधायक मिले थे मुझे और उनको व्हाट्सएप पे धमकी दी गई कोई बुदेश भाई करके, उसको तुरंत संज्ञान में लेके मैंने ही प्रमुख सचिव गृह को और जो संबंधित अधिकारी थे उनको निर्देशित किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर उस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो तत्काल SIT का गठन किया गया और उस बिंदु तक जल्दी पुलिस पहुंचेगी और जो भी अपराधी होगा, शरारती तत्व होगा, उसे कंजे में होगा। हमारे विधायक निडर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी सुरक्षा की चिंता ना करें। हमें उसकी सुरक्षा की चिंता है और इस प्रकार का जो शरारती तत्व होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। मैंने ऐसा नहीं बोला है, ऐसा आप बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कहा है कि प्रधानमंत्री ने वहाँ के हटाने का कहा है और अभी कर्नाटका की शपथ ग्रहण में मैंने नहीं, आपके समाचार पत्रों ने और टेलीविजन ने कहा है कि 50 दलों के गठबंधन ने भी उसी दिन घोषणा करा। ये 2 घोषणाएं एक साथ हुई जिनका मैंने उल्लेख किया। इसका अर्थ क्या है ये आप निकालो, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। मेरा मतलब केवल 2 अलग अलग घटनाओं की सूचना देना था कि एक सूचना वो थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी जी को हटाना है और 2-3 दिन के बाद एक घटना ऐसी घटी कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद हाथ उठाकर एक साथ गठबंधनों के वरिष्ठ नेताओं ने भी लगभग उसी लाइन पर बयान दिया। तो उनकी लाइन एक नहीं है या एक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि दोनों की जो इच्छाएं हैं, भारतवर्ष की जनता उसको पूरा नहीं होने देगी। हमारे विपक्षी दल पे मुझे कोई शक नहीं उनकी देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर, और ना ही मैं उनकी तुलना किसी राष्ट्रद्रोही राष्ट्र विरोधी देश से करता हूँ, लेकिन मैं उनके वक्तव्यों की का उल्लेख मात्र कर रहा हूँ। अभी एक बयान आपने ये भी सुना हुआ, अखिलेश जी से पूछा गया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या आप उनको समर्थन दे रहे हैं, तो उनका चुनाव के बाद देखेंगे। आजकल मेरे एक वक्तव्य को SMS में बहुत आ रहा, व्हाट्सएप पे, जो मैंने एक जगह बोला था, सीता जी का स्वयंवर था और सारे राजा एक एक करके जब धनुष को नहीं उठा पाए, तोड़ पाए, तो उनका मैं गठबंधन कर लेता हूँ। जब मोदी जी को एक एक करके नहीं हटा पाए तो बोले गठबंधन कर लेता हूँ। तो एक ऋषि और मुनि ने पूछा, यानी भारतवर्ष की जनता से, लोग आज पूछ रहे, उस समय ऋषियों ने पूछा था कि अगर आपने सबने कहा गठबंधन बना के राजाओं का धनुष को तोड़ भी लिया तो दूल्हा कौन बनेगा।
वैसे ही भारत की जनता पूछ रही है, अगर आप मानो पहली बात तो हरा नहीं पाओगे, अगर हराने का सपना पूरा हो भी होता दिखा तो नेतृत्वकर्ता कौन बनेगा? तो उस समय के राजाओं ने जवाब दिया था कि जब हम धनुष तोड़ लेंगे मिलके, तो उसके बाद आपस में युद्ध करेंगे, और युद्ध करने के बाद जो जिंदा बचेगा वही जयमाल के लिए हकदार बनेगा। तो मुझको लगता है कि चुनाव के बाद ये युद्ध की तैयारी में है, वो हो सकता है कि युद्ध की तैयारी पहले ही प्रारंभ कर दे। मुझे उनके युद्ध से आपसे गठजोड़ में वो याद मुझे आता है वाक्य, क्योंकि मैं एक बड़ी नेता को जब गैस के सिलेंडर से आग लगाए जाने का षड्यंत्र लोग कर रहे थे, मैं युद्ध का अध्यक्ष था, माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ में मुझे वहां पर जाने का अवसर मिला था, और अखबार और समाचार पत्र तो ये भी कहते हैं कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, क्योंकि मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था उस समय, और हम लोग पूरे उससे गए थे वहां पर, तो आग लगने वाले गैस के सिलेंडर को देखकर आज मुझे याद आता है कि उस समय के लोगों से पूछा जाता था तो दल विशेष के लोग बोलते थे कि उस समय का सत्ताधारी दल उनकी हत्या कराना चाहता है। और टेलीविजन पर मैंने कुछ दिन बाद एक वक्तव्य देखा था जिसमें वर्तमान जो दो दल हैं जो आपस में मिल रहे हैं, मदमस्त हैं या पंचड़ हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें से एक नेता बोलता था गुंडी तो एक नेता बोलते थे कि गुंडा, कि टेलीविजन पे बोलते थे। वो दृश्य आज भी मुझे याद आता है, लेकिन ये उनका अपना निर्णय है, वो लोग अपने आपस में मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अनैतिक अवसरवादी और बगैर विजन के सत्ता प्राप्ति के लिए किए गए गठबंधन सफल नहीं हुआ करते। मुख्यमंत्री जी, जो सरकारी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने लायक है, ठीक है, लेकिन जो एडेड स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद खराब है, तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल के। आप शायद एक साल पहले की बात कर रहे हैं, मैं लेटेस्ट बात कर रहा हूँ, आप पहले मैं दौरा करा दूंगा। नहीं नहीं, आप दौरा करा भी देंगे और सही भी निकलेगा जी, लेकिन मेरा एक निवेदन है, मुझे एक साल आए हुए और आपने परीक्षा जब गए होंगे परीक्षा केंद्रों पर, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा एक साथ उत्तर प्रदेश के, मैं समझता हूं कि जो हमारे सेंटर थे 10,000 के आसपास विद्यालय ऐसे हो गए थे एक साल के अंदर, भी 4 महीने के अंदर, जिनमें बाउंड्री खींच गई थी, जिनमें CCTV कैमरा लग गए थे, जिसमें जनरेटर लग गए थे, जिनकी पुताई हो चुकी थी, जिनके अंदर फर्नीचर लग गए थे, क्योंकि वहां पर परीक्षा केंद्र बनने की पहली शर्त थी। तो भी 10,000 कराया है एक साल में, आगे साल देखते हैं। और जब इनकी नियुक्ति करते हैं प्राइवेट लोग तो वो उसमें यही होता है कि वो विद्यालय का प्रबंध तंत्र उनको वेतन देगा, लेकिन हमारे जो वित्तहीन शिक्षक हैं उनके लिए एक सिक्योरिटी हो, उनकी दशाओं में परिवर्तन हो, उनका शोषण ना हो, ये हमारी चिंता का विषय है, और हम अपनी नियमावली बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिनमें इनको हम कौन सी कठिनाई दूर कर सकते हैं उसमें हम देखेंगे।